हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो कि हमारे व्यूअर का आया हुआ था, उन्होंने पूछा है कि फील्ड साइज कैसे हम इंक्रीज करेंगे या कुछ ऐसा सवाल इन्होंने पूछा है। तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है। फील्ड साइज अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए इन्होंने पूछा है क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। हालांकि मैंने इनको एक लिंक भेजा है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैंने ओपन किया, ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट ब्लैंक डेटाबेस हम ले लेंगे और यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक डिजाइन व्यू, एक इस तरह का सिनेरियो हमारे सामने आएगा और यहां से हम डिजाइन व्यू चूज कर लेंगे। जैसे डिजाइन व्यू चूज करेंगे तो मैं यहां फील्ड साइज इसको नाम दे देता हूं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं आप एज योर विश, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देंगे वो आपको डिसाइड करना। देखिए ये प्राइमरी की है, ठीक है, मैं इसको आईडी ही छोड़ता हूं अभी और यहां पे डेटा टाइप ऑटो नंबर ही रहने देता हूं। अब इन्होंने लिखा हुआ है लिखा है इसमें कि डबल एंट्री कैसे करते हैं और क्वांटिटी रेट अमाउंट और इस तरह की चीजें इनको देनी है। तो यहां पर आप क्वांटिटी दे सकते हैं या फिर यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम दे दिया, ओके। और यहां पर नंबर डेटा टाइप ना रख करके आपको टेक्स्ट रखना है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम नंबर डेटा टाइप देंगे, प्रोडक्ट की जहाँ प्राइस हमें रखनी है वहां नंबर डेटा टाइप दे देंगे। और फिर यहाँ पर बात करें क्वांटिटी की कि कितनी क्वांटिटी है, तो QTY मैं लिख देता हूं और क्वांटिटी भी नंबर डेटा टाइप ही होगी, ठीक है। अब सपोज करता है कि आप अगर आप इसको डेसिमल में यानी दशमलव वाले नंबर में रखना चाहते हैं तो वो कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहां से डेसिमल चूज कर लीजिए यहाँ पे ये, ठीक है। अगर आप दशमलव रखना चाहते हैं तो डेसिमल चूज किया और यहां पर आपको प्रिसीजन में आना है। यहाँ पे पढ़िएगा तो यहाँ प्रिसीजन दिया हुआ है और यहाँ स्केल दिया हुआ है इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पे स्केल में आप 3 कर दीजिए यानी दशमलव के 3 अंक के बाद तक का ये ले लेगा जो भी आप अमाउंट इंटर करेंगे या क्वांटिटी इंटर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद इन्होंने पूछा है कि अब अमाउंट कैसे पता करेंगे, अमाउंट लिख लेते हैं और यहां भी जो है हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप और डेसिमल में रिजल्ट हमारा आएगा, तो इसके लिए हम यहां पर डेसिमल चूज कर लेंगे और यहां पर स्केल में 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 रख लिया हमने। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहां से व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे इसको यहां से सेव करेंगे यस करके, तो ये देखिए इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से इसको ऐड करा लेंगे और क्लोज करेंगे। आप यहां पर जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें यहां पर ले लेंगे हम, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। अब यहां अमाउंट हमें पता करना है, तो अमाउंट के लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। राइट क्लिक कीजिए और इसको हम जूम व्यू पे ले ले, तो हमें जो भी लिखना है यहां पर देखिए कोलन लगाऊंगा मैं। सबसे पहले कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमें लिखना है वो लिखना है। अब जैसे यहां पे प्राइस लिखा हमने, ठीक है, प्राइस। अब इनटू का साइन लगाइए, इनटू क्वांटिटी है तो हमने लिखा है QTY, क्वांटिटी को लिखा है QTY, तो इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट होगा, तो बस प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये हो गया हमारा काम। और यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए और ये हमारा सॉफ्टवेयर एक तरह से छोटा सा सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो गया। अब क्रिएट पे चलते हैं, फॉर्म बना लेते हैं हम। तो यहां देखिए फॉर्म के लिए यहां से आप डायरेक्टली भी फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन हम मोर फॉर्म पे जाकर के फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो यस प्रेस क्लिक करता हूं यहां पे और यहां पे मैं लिखता हूं सॉफ्टवेयर, इसे नाम दे देता हूं सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर नाम दे दिया हमने, ओके प्रेस किया यहां पे, तो ये इस तरह से आएगा। और यहां ये डबल जो बना हुआ है एंगल ब्रैकेट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए माउस से और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप किस फॉर्म में डेटा को रखना चाहते हैं, टेबुलर, कॉलमर, जिस भी फॉर्म में रखना चाहते हो रख सकते हैं आप। मैं कॉलमर फॉर्म में ही रख लेता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहां से जो पसंद हो आपको, यहाँ पे स्टाइल आपको शो हो जाएगी वो आप ले सकते हैं। और यहाँ इसमें पूछ रहा है कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो नहीं मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, ठीक है। और ये इस तरह से हमारा डेटा तैयार होकर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम इसको डिजाइन व्यू पे लेकर इसमें हम बटन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बटन, यहां पर आएंगे डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे और जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे तो यहां से इसको थोड़ा नीचे स्पेस और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम वो बटन बनाएंगे, जैसे सपोज कीजिए ये बटन है, इस पर हमने क्लिक करा
और यहां से इसको ड्रैग करवाया। तो जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे सामने। अभी हम क्या बनाना चाहते हैं, कौन सा बटन बनाना चाहते हैं, जैसे हम बनाना चाहते हैं गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये बटन बनना जिस पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और आप क्या लेना चाहते हैं, टेक्स्ट लेना चाहते हैं या पिक्चर लेना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट ले लेते हैं। लिखा हुआ आएगा इस बटन पर कि ये कौन सा बटन है, ठीक है। अब ये कमांड 11 है, ओके प्रेस किया हमने, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हमारा बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसको, यहां से इसके साइज बढ़ाना चाहे तो यहां से खींच करके साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बनाया। अब चलिए दूसरा बटन बनाते हैं, यहां से क्लिक किया हमने, ये दूसरा बटन हमने बनाया। अब इस बार हमें क्या बनाना है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड या लास्ट रिकॉर्ड ऐसा कुछ करना हो, या प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बनाया, प्रीवियस रिकॉर्ड का बना लेते हैं। यहां से प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए और हमें टेक्स्ट रखना है इसको, तो टेक्स्ट रख लिया हमने और इसको फिनिश पे क्लिक कर दिया, तो प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन हमारे सामने बन करके तैयार हो गया। अब नेक्स्ट बटन हम बनाते हैं, बटन पे क्लिक किया फिर हमने, और यहां से हमने कर लिया इसको ड्रैग, और ड्रैग करवाने के बाद ये जो बटन है ये किसका बटन होगा, तो यहां पे देखिए और भी चीजें दी हुई है, सेव रिकॉर्ड, तो सेव रिकॉर्ड का एक बटन हम बना लेते हैं। तो सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहां से सेव पे क्लिक करेंगे, चेक मार्क लगाना चाहते हैं या जो भी लगाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे लगा, कुछ और स्टाइल में आए तो यहां से जा करके, और फिर इसको दोबारा से ट्रैक करवाइए और यहां पर आकर के और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, चेक मार्क लगा लीजिए यहां से, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहां से फिनिश पे, तो ये सेव रिकॉर्ड, ये टेक्स्ट लिखा हुआ सेव रिकॉर्ड का बटन यहां पे आ जाएगा। तो ये सेव रिकॉर्ड का भी बटन बना लिया, नेक्स्ट का बना लिया, प्रीवियस का बना लिया, डिलीट का बटन भी बना लेते हैं। यहां से बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पर ड्रैग करवाएंगे इसी को, तो ये ऑप्शन ऐसे करके ओपन हो जाएगा। अब यहां डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ले लेते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं और यहां हम टेक्स्ट लेंगे और यहां नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे, तो ये डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार हो गया। अब आइए चेक करते हैं ये काम कैसे करेगा, चलेगा कैसे, ठीक है। ये एक छोटा सा डेमो भर है कि कैसे आप ये बना सकते हैं। अब चूंकि रिक्वेस्ट आई हुई थी, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे हम अलग अलग फील्ड बना सकते हैं, तो फील्ड तो बनाना आपने सीख ही लिया, बहुत कुछ इसमें मैंने सिखा दिया है आपको। अगर कोई सवाल हो तो आप फिर हमसे सवाल कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, घर पे रहिए, और जो भी चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जरूरत है आपको, आप पूछ सकते हैं हमसे बहुत ही इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए ये सारे बटन हमने बना लिए, हम चलते हैं यहाँ पे व्यू पर। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें रिकॉर्ड दिखाई पड़ेगा। हम अभी चलेंगे वापस से डिजाइन व्यू पे, ये बटन की साइज थोड़ी छोटी है तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे चाहे तो हम कलर भी फिल कर सकते हैं। कैसे कलर फिल करेंगे, देखिए ये जो बटन है यहाँ पे हम ब्लैक कलर लगा देते हैं, थोड़ा डार्क में, सब पे ब्लैक कलर लगा देते हैं डार्क में, ठीक है, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है। अगर यहां पर कोई और नाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं, फिलहाल मैं यही छोड़ देता हूं, और यहां से इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ये जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है ना इसकी साइज मैं बढ़ाऊंगा, तो यहां से इसको पकड़ा मैंने और यहां से साइज को इंक्रीज कर देता हूं मैं, और फॉन्ट भी चेंज कर दूंगा, यहां से फॉन्ट के साथ साथ साइज भी इंक्रीज कर दूंगा, ये यहां पर जाकर के, और साइज में कर देता हूं 36, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। अब चलिए अब बारी है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने की, तो यहां से यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑटो नंबर लिया है मैंने, तो ऑटो नंबर यानी खुद से नंबर देता जाएगा, हमें नंबर देने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट नेम लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कीबोर्ड, लिखा, अब यहां पर आ गए प्राइस, जैसे कीबोर्ड की प्राइस 220 रुपए हो, ठीक है। अब यहां पर क्वांटिटी की बात है, तो 5 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, 5 क्वांटिटी के हिसाब से यहां पर टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, तो यहां नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बना हुआ है, क्लिक कीजिए, यहां पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए आप, ठीक है। यहां पर आपको रखना है कर्सर, क्योंकि आपने पहले से बना रखा है, ऑटो नंबर ले रखा है, तो आईडी आपको फिल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम, अब मैं करता हूं यहां पर माउस, MOUSE माउस लिखा हमने, नीचे आए प्राइस दे दिया हमने 110 रुपए, ठीक है। और अगर 6 क्वांटिटी हम माउस की खरीद रहे हो तो 110 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमको फिर अगर मान लीजिए प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना हो तो यहां से प्रीवियस रिकॉर्ड पे माउस कीबोर्ड वाले पे चले गए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे तो माउस वाला रिकॉर्ड, अभी फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अभी यहां पे मैं क्या करता हूं, लिखता हूं, एक चीज और लिख देता हूं इसमें, थोड़ा ग्रोसरी का आइटम इंक्लूड कर देता हूं, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, ठीक है, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल कर दिया हमने। और यहां पर क्या करना है हमें,
इसकी कॉस्ट फिल करनी है, 120 रुपए 50 पैसे इसकी कॉस्ट है, ठीक है, ये हमने फिल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमने स्केल यहाँ पे नहीं लिया था प्राइस में, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा जो है 120 रुपए ही ले रहा है। तो आपको स्केल रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में भी लिख पाए तो वहां पे स्केल में जाके आपको दशमलव वाले डेसिमल पॉइंट जो है वहां पे सेटिंग करनी होगी। फिलहाल हम लोगों ने बना लिया है इसको, नो प्रॉब्लम, और भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं इस पर, तो आप आसानी से उसको देख करके सीख सकते हैं कि कैसे हम दशमलव में संख्याएं लिख सकते हैं इसमें। चलिए अब यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए 6 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 720 रुपए